what is the evidence you have got to go behind Mr. Arvind Kejriwal? They said they sought time for responding, and now they come knocking at his doors. We hope the Supreme Court will intervene and ensure that democracy prevails. In the morning, they seized the accounts of the Congress Party for a due dating back to 1994. Is this a joke? Are we in a democracy? Are we still governed by the rule of law or the law of the rulers? So this is an important point, an important inflection point in our democracy. It all depends on how we thwart these illegal advances of the BJP. We can imagine what will happen if BJP comes to power in 2024. The mere thought that they will lose power is making them do all these things. That is the reason why the BJP is doing this. It's not because of anything else. If they were confident of their victory, they wouldn't do this. They were not this desperate in 2019. All this tall claims, just thumping that they're going to win 400 seats is just hogwash. They will not be able to get more than 200 seats. That is why. That is why they are doing all these things. Our MP, Mr. Wilson, has made one important observation. Court ने नोटिस दिया और उसके एक घंटे के ही अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए. ये साफ दिखाता है कि आज के दिन में ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि क्यों उनके समन खारिज न किए जाए, क्यों अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम रिलीफ न दिया जाए. तो ईडी को ऐसी क्या हड़बड़ी है कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती है? तो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मसला है. नहीं, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई है. ये लड़ाई प्रयास है, लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे. देखिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था. राखी जी, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था. केजरीवाल इस्तीफा देंगे? हेलो, क्या आवाज? और उसके एक घंटे के ही अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए. ये साफ दिखाता है कि आज के दिन में ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि क्यों उनके समन खारिज न किए जाए, क्यों अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम रिलीफ न दिया जाए. ईडी को ऐसी क्या हड़बड़ी है कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती है? तो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मसला है. नहीं, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई है. ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है. आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के. आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे. दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है. देखिए, इस वक्त सब लोगों को मालूम है कि अब से महज 2-2.5 घंटे पहले हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला था. हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक का कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है. और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फोन से
ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फोन्स वगैरह भी ले लिए हैं। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। बीजेपी की तरफ से, और वो सोच जो है उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें, तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है।